वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये शोरूम कैसे बनाया था। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम गुड़गांव आ गए हैं और ब्लैक कलर के रैक्स हमने बनाए हैं यहाँ पे, काउंटर रैक, और उसकी पूरी थीम सेट की है। ये बॉक्सेस रखे हैं और ये बॉक्स बाद में ओपन करके इससे रैक बनाएंगे। पीछे की जो वॉल्स हैं वो सारी वॉल्स कवर होंगी, और इसमें अगर आप देखेंगे अभी ये इधर भी वॉल्स हैं, तो इसमें है ना पेंट का खर्चा बच जाता है आपका रैक से। अब आपको आगे दिखाता हूँ, ये लेग्स है, ये लेग्स होंगी, ये आप जिस साइज़ का रैक बनवाएंगे उस साइज़ की लेग होंगी। इस तरीके से पैकिंग आती है इसकी, और आपको बाकी के दिखाता हूँ बॉक्सेस। ये रहे बॉक्स, इनकी पैकिंग भी है। और इसमें हम शोरूम के अंदर यहाँ पर वेजिटेबल रैक बनाएंगे इस साइड, तो उसको मैं पूरा शो करूँगा आपको ये कैसा लगेगा बनने के बाद, ठीक है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि जो सेंटर रैक लगे हुए हैं, वॉल रैक लगे हुए हैं, इनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता हूँ विद डायमेंशनिंग के साथ कि कहाँ पर कितने फीट का आपको स्पेस चाहिए वॉकिंग के लिए, और जो वॉल रैक है उसकी हाइट क्या होनी चाहिए। तो चलिए सेंटर रैक से स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर रैक के जो एंड पे लगाइए, एंड कैप यूनिट कहते हैं इसे, दिस इज एंड कैप यूनिट। और इसमें बेस से अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 शेल दी गई हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है इस शॉप के अकॉर्डिंग किया गया है। जो ये रैक है ना, इसकी जो जितना ये इसकी जो लेंथ है, ये 2 फीट है, वैसे हम 3 फीट भी रखते हैं इसकी लेंथ, ये अकॉर्डिंग टू नीड होता है। वो एक्सप्लेनेशन भी मैं इस वीडियो में पूरा करूँगा, इसको ध्यान से देखना। पहले करते हैं फ्रीजर की बात। फ्रीजर जो होता है ये 2 फीट वाइड होता है, इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 2 फीट। उसके बाद आते हैं परफोरेटेड रैक की तरफ। ये परफोरेटेड रैक है और यहाँ पर हुक लगता है। जब हुक लगते हैं तो आप यहाँ पर जो भी टांगने का सामान है वो सारा इसमें लगा सकते हो। इसको मैंने 3 फीट वाइड बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टांगने का सामान आए। और अगर इसके नीचे देखें तो एक शेल भी दी गई है और उसके नीचे भी दी गई है, और इसका आप देख सकते हैं रैक का कॉम्बिनेशन। ग्रीन कलर को ब्लैक के साथ मैच किया गया है। कस्टमर ने डिमांड की थी कि कुछ अलग बनाना है, डिफरेंट बनाना है, तो अभी इसे थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ वॉल रैक के साथ साथ कॉर्नर रैक पर। दिस इज कॉर्नर रैक, एंड कॉर्नर रैक में आप देख सकते हो कि कैसे आप हमने इस जगह को पूरी तरह यूटिलाइज़ किया है। जैसे कि मैंने कई वीडियोस में दिखाया है कि कॉर्नर रैक को किस तरीके से हम बनाते हैं, और अगर इसको बेस से ऊपर की तरफ देखें तो इसकी एक बड़ी प्यारी लुक आती है। और फिर अगर हम देखें इस तरफ, अगर ये वॉल रैक जो लगे हुए हैं ये 3 फीट वाइड होते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है रैक का, हम 3 फीट वाइड ही बनाते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो उस केस में बनता है 2.5, 2 फीट या फिर 3 फीट का या 3.5, अकॉर्डिंग टू योर नीड होता है। अब आगे चलते हैं। जैसे कि ये वॉकिंग जो स्पेस है, अब आप देख सकते हैं इसे 3 फीट वाइड रखा गया है ताकि ईजिली वॉक कर सके कस्टमर, एक टाइम पे 2 कस्टमर आसानी से वॉक कर सकें। और ये एंड कैप लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा, कस्टमर आसानी से पिक कर सकता है। उसके बाद आते हैं ये पीछे, यहाँ पर सेंटर लाइन है फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस वन इज़ थर्ड। 3 सेंटर लाइन्स हैं, और मेरे लेफ्ट में वॉल रैक हैं जिसको मैंने पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपके सामने। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पर चलते हैं, जो हर घर की एक नीड होती है, वो है वेजिटेबल्स। अगर आपको वेजिटेबल ग्रोसरी के साथ एक ही जगह पर अवेलेबल मिल जाए तो आप शॉपिंग ज़्यादा करेंगे, और अगर सही दाम पर मिल जाए तो आप रेगुलर कस्टमर भी बन जाते हैं। इसलिए जैसा कि सर ने कहा था कि हमें वेजिटेबल भी रखने हैं, ग्रोसरी के अदर प्रोडक्ट भी रखने हैं, तो मैंने इन सब का एक कम्बिनेशन बना के सर को 3D में एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया कि सर बनने के बाद शॉप ऐसी दिखेगी, और उसके बाद प्रोजेक्ट लिया था। तो अगर आपकी भी जब नीड होती है तो उस तरीके से ही हम बनाते हैं। अब देख सकते हैं इसमें मैंने SS की जालियाँ दी हैं, 1, 2, 3 हर रैक में दी हैं, और ये 16 फीट की लेंथ कवर की है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो 8 रैक बन रहे हैं, 8 × 3 = 24 तो मैंने सिर्फ बास्केट दी हैं, तो 24 बास्केट में इतने सारे वेजिटेबल आ सकते हैं। सोच से भी ज़्यादा थिंकिंग जो आप कर सकते हैं कि हाँ इतने वेजिटेबल भी इसमें आ सकते हैं। अगर आप किसी बाहर से शॉपिंग करने जाते हैं, कोई रेडी है या किसी भी छोटी शॉप से लेने जाते हैं, तो इतनी सारी वेजिटेबल एक जगह आपको नहीं मिलेंगी।
बहुत सारी वेजिटेबल होने से आपको है ना ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको क्या परचेज करना है और क्या नहीं करना, और आपका मन भी बन जाता है, क्योंकि हर दिन है ना एक ही सब्जी खा खा के आप बोर हो जाते होगे, इतने सारे वेजिटेबल के ऑप्शन एक ही जगह मिल जाए तो सारी कंपैरिजन हो जाता है। और इसके बाद करें बेस प्लेट की, यहाँ पे बेस प्लेट दी गई है नीचे सारी जगह, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल और भी आ सकती हैं, मतलब ये लगा लीजिए 24 वेजिटेबल तो इन बास्केट में आ सकती हैं, और उन 24 में भी अगर इन बास्केट्स को अगर पास से देखें, इनमें एक जगह बनाई गई है तो उसको भी 2 पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है, जिससे आप 24 को अगर डबल करें तो 48 टाइप की वेजिटेबल आप इसमें रख सकते हैं। और बेस में अगर देखें तो 8 बेस प्लेट भी हैं, तो 8 टाइप्स की वहाँ पर भी। और इसमें भी मैंने एक वॉकिंग डिस्टेंस दिया है 3 फीट का, यहाँ पर एक साथ दो जो ह्यूमन बींग्स हैं निकल सकते हैं, एक लेफ्ट से एक राइट से, और शॉपिंग करते वक्त पीछे से कोई टकराएगा भी नहीं। कोई ग्रोसरी का सामान ले रहा तो वहाँ से भी प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है, साथ साथ वेजिटेबल भी परचेज कर सकता है, इसलिए इस पूरे लेआउट को हमने इस तरीके से बनाया है। इसी वीडियो में मैं आपको अब इसका है ना एक थोरोली व्यू भी दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक। अब आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं वॉल रैक है 6 फीट हाइट के, और ये जो ये 6 फीट हाइट के रैक हैं इनमें 5 शेल्फ दी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, इसमें तो आता ही है। इसके साथ साथ मैंने सेंटर रैक की भी लाइंस बनाई है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी। इसमें जो ये रैक हैं ये पीछे देख सकते हैं 24 फीट का एरिया कवर कर रहे हैं, मेरे पास 24 फीट बाई 18 फीट का एरिया था, उसको मैंने पूरा प्रॉपरली कवर किया है। अब मैं आपको इसमें लेफ्ट हैंड में दिखाता हूँ, इसमें लेफ्ट हैंड में वेजिटेबल रैक लगे हुए हैं सारे के सारे, इसमें बास्केट्स लगी हुई हैं। और अगर हम इस व्यू से देखें तो ये पहली सेंटर लाइन है, और ये सेकंड वाली, सेकंड वन, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। तो इसमें काफ़ी सारा आप स्टोरेज कर सकते हो, 10 से 15 लाख तक की भी स्टोरेज कर सकते हो जितना सामान रखना है। ये मैं 10 से 15 लाख ग्रोसरी के मटेरियल की बात कर रहा हूँ, आप इसमें 5 लाख का भी सामान रख सकते हो, वो आपके ऊपर आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लुक है इसकी, और इसमें ये जो वॉल है मेरे राइट हैंड वाली, ये है टोटल 18 फीट था, तो 18 फीट को पूरा वॉल रैक से कवर किया गया है। अभी आपने वीडियो में देखा मैंने कैसे पूरा आपको शोरूम बताया है, कितना आपको चलने के लिए वेट चाहिए होता है, और हमने कैसे मैनेज किया इस शोरूम को। आपका कोई शोरूम है, आपके सपनों का शोरूम है, आप बनवाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे हम आपके जो स्ट्रक्चर है, जो शोरूम का स्ट्रक्चर है, उसको 3D में बनाकर भी दिखाएंगे कि कैसा लगेगा बनने के बाद। इससे आपको है ना एक गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ ऐसा दिखेगा, और इतना सामान लग रहा है और इतनी कॉस्टिंग आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, ये वीडियोस अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये वीडियोस फ्यूचर में भी दिखाई देंगे। और अगर आपको थोड़ा शोरूम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।